हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और जैसा कि आज वसंत पंचमी है और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, बट हमारी मम्मी उठ के बच्चों को पूजने लगे हैं। वाह श्याम, और खूब जवान दे और खूब श्यान दे। हाँ और श्रेयांशु को पूज दिए हैं जो अब है सोम की बारी। सोम बैठ गया, श्रेयांश कितने रुपए कमाए तुमने आज? है सोहम कावड़ नहीं चल रही बेटा, अच्छे से बैठते हैं। नानी बचरो, तेरे मामा बचरो और तेरे मामा भरी बहनों की खूब तरक्की हो जो। और तेर सब नाने वहाँ पर बारा गिरो, तेर फूमो बुआ फूबा सब बचरो और दादाओनो जोर बचरो। जीरे जागे बचरे खूब श्यार है जे, बुद्धिमान है जे और खूब शौक जो तरान हो जो। शाव जे बुध हो जो, दुबे जे जड़ हो जो, अपमान बुरे चको हो जे, बंधु बुरे बुरे हो जो, जे नौन बुरा बुरे फाँव हो जे। जीरे जागे बचरे और बच्चों ने पूछ दिया, बच्चों को उनकी दादी ने जौ वगैरह लगा दिए हैं। और आज है बसंत पंचमी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो है, हाँ बेटा बोलो, अब वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। वसंत पंचमी का विशेष महत्व है। वसंत पंचमी, हाँ बब्बू बोलो, क्या आते नो सांप नहीं आते। वसंत पंचमी माघ शुक्ल की पंचमी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें जो है घर के बुजुर्ग लोग बच्चों को जौ लगाते हैं। इसमें जौ सनातन धर्म से हमारे जौ जो है वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो इसमें जौ का विशेष महत्व है। जौ से ही जौ हम लोग भी चढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, तो जौ का विशेष इसमें महत्व है। और माँ सरस्वती की इसमें पूजा होती है, वो तो सभी जानते हैं। माँ सरस्वती को जो है पीले इसमें वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, हमने तो रुमाल चढ़ा दिया था। और पीले पुष्प हो तो वो बहुत बढ़िया है, और चंदन पीला। तो माँ सरस्वती का पूजन संपन्न हुई और ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। प्राचीन काल से जैसे किसी के छोटे बच्चे होते थे तो उसको अक्षर बोध कराया जाता था, यानी जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को अवा पढ़ाते हैं, तो उन्हें इसी दिन से ही जो है बच्चों को उनकी पढ़ाई की शुरुआत की जाती थी। इसलिए बसंत क्योंकि विद्या की देवी होती है माँ सरस्वती, ये तो सभी जानते हैं। अगर इस दिन से ही प्रारंभ करें बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि विशेष फल इसमें प्राप्त होते हैं वसंत पंचमी में। और इसमें बहनें भी अपने भाई को जौ लगा के उनकी सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना कर सकती हैं। और इस दिवस पर, इस पावन दिवस पर जो है यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, कर्णभेद, जो भी हमारे हिंदू धर्म में हैं शुभ कार्य, वो किए जा सकते हैं वसंत पंचमी के दिन। और इसी के साथ सबको हैप्पी बसंत पंचमी। मेरे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, सबको हैप्पी बसंत पंचमी। और उत्साह और उमंग की तरंग वसंत के संग, हैप्पी बसंत पंचमी। टाइम हो रखा सुबह के 9, देख सकते हैं वेदर आज खुलेगा। लग तो रहा है कि आज फॉग वगैरह भी हटने लग गया है अभी अभी सुबह के टाइम पे, देख सकते हैं खुला खुला। आंटी जी हैप्पी वसंत पंचमी, थैंक यू। हो गया काम, काम वाम हो गया? अच्छा अच्छा देख सकते हैं आप,
आज मुझे सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि बसंत पंचमी में जो है ये त्योहार मतलब माँ सरस्वती का है, तो इसमें अपने आप ही इंसान जो है वो खुश रहता है। देख सकते हैं, अगर धूप आई होती तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे ब्लॉग्स को देखने के लिए। अगर आपको ये ब्लॉग्स पसंद आया तो इसे लाइक्स या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।